हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रिजेन और आप सभी का मेरी इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा हिंदी का लेक्चर है और इसमें मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूं मात्रिक छंद का चौथा पार्ट, क्योंकि इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको मात्रिक छंद में आपको दोहा, सोरठा और चौपाई मैंने पढ़ा दिया है और उसी के क्रम में ये चौथा छंद हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इसका नाम है दोस्तों, इसे हम कहेंगे रोला। दोस्तों, रोला क्या है? रोला की बात मैं करूं यहाँ पे कि रोला किसे कहते हैं, तो रोला दोस्तों ये है, रोला एक आपका ऐसा छंद है जिसमें चार चरण होंगे। चार चरण तो अभी लगभग आपने हर जगह देखा है कि इसमें चार चरण होने वाले हैं। दोस्तों, चार चरण होंगे इसमें और इसके प्रत्येक चरण में, यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, इसका जो प्रत्येक चरण होगा, इसके प्रत्येक चरण में 11 13 की यति से कुल 24 मात्राएं होंगी। दोस्तों, 11 13 की यति से तात्पर्य क्या है, इसको जरा ऐसे समझिएगा, ये कुछ इस तरह का फॉर्मूला क्रिएट होगा दोस्तों, इस टाइप का। अब ये क्या मैं बना रहा हूँ, इसको मैं अभी आगे क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों। ये हो गया आपका दोस्तों, ये जो प्रारूप एक देख रहे हैं ये रोला का है। यहाँ पे आपको मिलने वाले 11 वर्ण, फिर मिलने वाले हैं 13 वर्ण, ऐसे करके पूरा ये 11 13 जाएगा आपका दोस्तों, ये 11 13 पूरा जाएगा इस तरह से ऐसे। और ये पूरा, इससे पहले अगर आप दोहा की बात करें, सोरठा की बात करें, तो वहाँ पे ये इतना एक चरण माना जाता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों रोला में ऐसा नहीं होगा, ये दोनों मिला करके एक चरण पूरा कंप्लीट होगा, ये पूरा एक चरण माना जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, 11 13 कंप्लीट होकर के 24 मात्राओं का एक चरण आपका होगा, ये आपका पहला चरण हो जाएगा दोस्तों। ऐसे आपका ये हो जाएगा दूसरा चरण और ये तीसरा चरण हो जाएगा और ये हो जाएगा चौथा चरण। तो और एक चीज़ आपने ये देखा है, आपने ये इतना पार्ट देखा है, इतना सा पार्ट आपने देखा होगा, यानी 11 13 11 13, ये किस छंद की पहचान है दोस्तों, बता सकते हैं? बिल्कुल बताइएगा, कमेंट करके बताइए। हालांकि मैं बता देता हूँ क्योंकि आगे हमें इसको एक्सप्लेन करना दोस्तों। 11 13 या कह लीजिए कि सम चरणों में 13 13 विषम में 11 11 ये मात्राएं थी, किसमें? ये थी सोरठा में। तो व्याख्या क्या निकल के आ रही है, ये इतना हुआ एक सोरठा दोस्तों और फिर ये इतना, वही चीज़ है दो सोरठा। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम दो सोरठा, आप ये टेक्निकली बोल सकते हैं कि दो सोरठा के बराबर एक रोला होता है, एक रोला होता है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं दोस्तों भाई, कि इसके उदाहरण को हम जानेंगे कि रोला का उदाहरण क्या हो सकता है दोस्तों। देखिए, बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है। उठो 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 हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो। दोस्तों देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है। उठो उठो, कह रहे हैं उठो उठो हे वीर, उठो उठो हे वीर, और आगे है आज तुम निद्रा त्यागो, आज तुम निद्रा त्यागो, उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो। दोस्तों ये पहला चरण कंप्लीट हुआ दोस्तों, ये ऐसे हो जाएगा, उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो। आगे कह रहे हैं करो महासंग्राम, करो महासंग्राम, जी हाँ दोस्तों, कह रहे करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो, अर्थात कायर होकर के मत भागे, नहीं कायर हो भागो, जी हाँ दोस्तों, ये आपका हो गया दूसरा चरण, आप समझ सकते हैं। फिर तीसरे चरण में कह रहे हैं तुम्हें वरेगी विजय, अरे हे हाँ निश्चय जानो, तुम्हें वरेगी, वरेगी तुम्हारा वरण करेगी, तुम्हें वरेगी विजय, यानी तुम्हें विजय निश्चित मिलेगी, तुम्हें वरेगी विजय, अरे यह निश्चय जानो, अरे यह निश्चय जानो, अरे यह निश्चय जानो, ये हो गया आपका तीसरा चरण। और अंतिम चरण है भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो, ये बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं, भारत के दिन लौट आएंगे,
लौट आएंगे, मेरी मानो, मेरी मानो। दोस्तों ये आपका रोला है, इसमें कुल चार चरण हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे मात्राएं गिन सकते हैं, जो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11, यहाँ तक 11 हो जा रहे हैं। दोस्तों मैंने कहा था इस पार्ट में 11 11 होंगी, इस पार्ट में 13 13 हो जाएंगे। 2 1 3 4 5 6 2 8 और यहाँ पे 2 10 और यहाँ पे 2 12 और यहाँ पे इसको 13 मान लिया जाता है। आधा अक्षर को भी काउंट कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपकी 13। तो ये एक सोठा और एक दो सोठा मिला करके एक रोला, इतना एक सोठा हो जाता है, इतना एक सोठा। दोस्तों तो ये हो गया रोला, और रोला बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक का ये एक ऐसा छंद है जिसमें आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो पार्ट को मिला करके एक चरण पूरा हुआ है, जबकि इससे पहले के सभी में एक पार्ट एक चरण कहलाता था। दोस्तों ये है आपका रोला, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगले नंबर पे, पांचवें नंबर पे बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही महत्वपूर्ण सा छंद है, इसको हम कुंडलिया कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? कुंडलिया कहते हैं दोस्तों, और कहीं कहीं ये कुंडलिया तो कहीं कहीं कुंडलियां लिखा रहता है। दोस्तों एक ही है, आप इसको अलग अलग मत मानिएगा, कुंडलिया कुंडलियां एक ही है। दोस्तों ये एक ऐसा पहला छंद आपको मिलने जा रहा है, इसमें 6 चरण हो जाएंगे। दोस्तों पहला अभी तक का है जिसमें 6 चरण होंगे। और दूसरी पॉइंट ये इसकी इंपॉर्टेंट है कि ये दो छंदों से मिलकर बना होता है। दोस्तों ये दोहा प्लस रोला से मिलकर के बनेगा। जी हाँ, ये इसकी खास बात है कि दोहा और रोला को मिला करके, अर्थात पहले के दो चरण जो होंगे, प्रथम दो चरण आपके हो जाएंगे किसके? दोहा के। और अंत के 4 चरण जो होंगे किसके हो जाएंगे? वो रोला के हो जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं होगा कि अगर आप इसको मानिए कि नहीं पहले रोला कर दिया जाए, इसके बाद फिर कर दिया जाए दोहा, अगर ऐसा विकल्प देता है तो ये दोस्तों गलत है, ये सही नहीं होता, ये गलत होता है। आपका सही है कि पहले दोहा आएगा बाद में रोला आएगा, ये आपको ध्यान देना है। और इसकी खास बात क्या है दोस्तों? एक तो योगी 6 चरण होते हैं और दोहा रोला से बना हुआ है। इसकी एक और खास बात है कि जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द पे खत्म हो जाएगा, जिस शब्द से शुरू होगा उसी पे ये अंत भी उसी पे इसका होना है। तो शुरुआत और अंत एक ही शब्द से होता है, ये इसकी खास बात होती है दोस्तों। तो ये 6 चरण है। और एक चीज और बताना भूल गए कि प्रत्येक चरण में इसमें 24 24 मात्राएं होंगी। दोस्तों कितनी होंगी? 24 24 मात्राएं इसमें होंगी। तो कुंडलियां की इतनी सारी बातें आपको याद रखना है कि क्या हुआ, ये तो पहले जानिए कि इसमें 6 चरण होंगे, दोहा और रोला से मिलके बना होता है, और जिसमें पहले 2 चरण दोहा के होंगे और अंतिम 4 चरण रोला के होंगे, और जिस शब्द से ये शुरू होगा उसी शब्द पे ये समाप्त भी होता है, और प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं होती हैं। और इसकी खास बात और है कि द्वितीय चरण का अंतिम पार्ट तृतीय चरण का प्रथम पार्ट बन जाता है। दोस्तों द्वितीय चरण का जो है, द्वितीय चरण का ये लास्ट वाला जो पार्ट होगा वो तीसरे चरण का फर्स्ट पार्ट बन जाता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ये एक इसकी ये भी एक विशेषता है कि दूसरे चरण का, अभी इसको मैं उदाहरण से क्लियर करूंगा कि कैसे दूसरे चरण का अंतिम पार्ट जो होता है तीसरे चरण का प्रथम पार्ट बन जाएगा, उसी को रिपीट कर दिया जाता है। दोस्तों आइए उदाहरण की तरफ चलते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों देख रहे हैं ये कुंडलियां का उदाहरण मैंने लिखा है, और इसमें क्या लिखा है देखिएगा जरा। रंभा झूमत हो कहां थोरे ही दिन हेत, तुमसे केते होई गए अर हुई हैं इति खेत, अर हुई हैं इति खेत मूल लघु खाता हीने, ताहू पै गजरहै दीठि तुम पै अति दीने, बरनै दीन दयाल हमें लखि होत अचंभा, एक जन्म के लागि कहां जो कि झूमत रंभा। दोस्तों क्या पकड़ा आपने यहाँ पे? ये देखिए, ये है रंभा और यहाँ पे है रंभा। कितने चरण है? 1 2 3 4 5 6 चरण है। और क्या बताया गया भाई इसमें? इसमें ये बताया गया कि प्रथम 2 चरण ये हो जाएंगे आपके दोहा। दोस्तों ये क्या है, आप समझ सकते हैं, इसको कहते हैं ये आपका दोन हो जाएगा दोहा। जी हाँ, और ये अंतिम 4 चरण क्या होंगे दोस्तों? ये अंतिम 4 चरण आपको पता होना चाहिए, क्या है? ये है आपका रोला। जी हाँ, तो ये था आपका। और इसमें मैंने कहा कि ये जो हमने लिखा है कि
द्वितीय चरण का, ये द्वितीय चरण का अंतिम पार्ट, ये इसको कहते हैं द्वितीय चरण का अंतिम पार्ट, तृतीय चरण का प्रथम हो जाएगा। यहाँ देखिए अर वही है इतिखेत, यहाँ लिखा है फिर से अर वही है इतिखेत, तो ये ध्यान देना, ये भी एक पहचान है कि द्वितीय चरण का अंतिम पार्ट तृतीय चरण का प्रथम पार्ट बन जाता है। दोस्तों ये है कुंडलियां जो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसकी विशेषताएं अधिक पूछा जाता है कि कौन सा छंद है जो दोहा और रोला से मिलके बना है, कुंडलियां है। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है, कुंडलियां है। किस छंद में 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, दोस्तों कुंडलियां। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपसे आएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों ये था बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडलियां, और इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं अगले नए छंद की। दोस्तों नंबर 6 पे है एक बहुत ही प्यारा सा और नया सा, इसे कहते हैं उल्लाला। दोस्तों ये एक छंद है, और हालांकि इसको आपने गाने में सुना जरूर है, लेकिन ये एक छंद है, हमारे हिंदी साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो देखते हैं उल्लाला क्या है। दोस्तों ये भी एक मात्रिक छंद है, और इसमें भी 4 चरण होते हैं, और इसके सम चरण की बात करें दोस्तों, सम चरण आप जानते हैं, सम चरण किसे कहते हैं, 2 और 4। तो जो सम चरण होंगे, सम चरण में इसकी जो मात्राएं होती हैं वो सम चरण में 13-13 मात्राएं आपको मिलेंगी। दोस्तों इसमें सम चरण में 13-13 मात्राएं मिलेंगी, और जब बात आती है विषम चरण की तो विषम चरण में इसमें आपको मिलेंगी 15-15 मात्राएं। दोस्तों ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, उल्लाला एक बहुत महत्वपूर्ण छंद है, और इसमें आप देखेंगे कि कैसे सम चरण में 13-13 और विषम चरण में 15-15 मात्राएं होंगी। दोस्तों देखिए इसका उदाहरण बहुत ही इंस्पायरिंग है, इसको आप अगर पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसका उदाहरण देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है कि सब भांति सुशोभित हो जहाँ समता के सुखकर नियम। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका सब भांति सुशोभित हो जहाँ, सब भांति सुशोभित हो जहाँ। दोस्तों ये उदाहरण लिख गया कि सब भांति सुशोभित हो जहाँ समता के सुखकर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। दोस्तों आप जानते हैं कि ये आपका यहाँ, ये दोनों, ये इन दोनों की बात की जाए तो ये पहला और ये तीसरा है, तो ये हो गया आपका विषम चरण। विषम में कितनी मात्राएं, 15-15 आप गिन सकते हैं, यहाँ पे मिल जाएंगी, 1, 2, 2, 4, 5, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 13, 2, 15। तो ये 15 इधर 15-15 मिलेंगी, इधर आपको मिलेंगी 13-13, जो कि बहुत ईजी है। ये 3, 2, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और फिर से गिन लेते हैं, 13 होना चाहिए, 1 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 2, 1, 3, 3, 4, और 1, 5, और 5, 2, 7, 7, 2, 9, और 9 के बाद ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। दोस्तों हम यहाँ से गिनना चाह रहे हैं, गलत गिन जा रहे हैं। सभी भांति सुशोभित हो जहाँ, जहाँ तक तो आपका हो गया ये, आपका ये हो गया विषम चरण, और यहाँ पे 1, 2, 2, 4, 2, 6, और 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13 ये होगा। दोस्तों ये कॉमा पे ध्यान देना, यहाँ पे आती है आपकी, और वैसे यहाँ गिनेंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा, इधर वाला पार्ट आपका 15 होगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, ये 2 हो गया, जागे 2, 2, 4, 2, 6, और 2, 8, और ये 2, 10, 11, 12, 13। दोस्तों यहाँ तक 13-13 मिल रही है, आप गिन लीजिएगा फिर से, और यहाँ तक आपका हो जाएगा 15-15। दोस्तों ये है आपका उल्लाला जो एक महत्वपूर्ण छंद है। दोस्तों इसमें इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको बाकी बचे हुए, मैं उसकी चर्चा यहाँ कर दूँ, बाकी बचे हुए छंद में यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद 56 बच रहा है दोस्तों, और 56 के बाद फिर है बरवे, और बरवे के बाद फिर है आपका हरिगीतिका। तो ये 3-4 और बचे हुए हैं जिसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, और इसी तरह उदाहरण से मैं उसको समझाऊंगा जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों ये छंद का वीडियो है, नंबर 2 में मैंने आपको बता दिया है दोहा, सोठा, चौपाई, और यहाँ पे मैंने आपको बताया सबसे महत्वपूर्ण रोला, कुंडलियाँ, और एक यहाँ पे मैंने बताया आपको उल्लाला। अब 56 बरवे हरगीतिका, और इसके बाद सामान्य रूप से ये आपका मात्रिक छंद समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद की वीडियो में आपको वर्णिक छंद पढ़ाऊंगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताएं, और
वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों से शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।